दोस्तों कहा जाता है कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकलने वाले लफ्ज कभी वापस नहीं आते। कुछ ऐसा ही हुआ 1825 में, जब निकोला रशिया का राजा बना तो वहां दंगे होने शुरू हो गए और राजा ने दंगे करने वाले मुखिया को फांसी देने का फैसला ले लिया। दोस्तों जब इस शख्स को राजा के हुक्म से फांसी के फंदे पे लटका दिया, फांसी का फंदा बीच में टूट गया और वो मुजरिम जमीन पर गिर गया। इस जमाने में किसी मुजरिम का फंदा टूट जाना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था। अक्सर इन हालात में मुजरिम को छोड़ा जाता था। ये पूरा किस्सा होने के बाद राजा के पास एक सिपाही आया और पूरा किस्सा बयान किया। राजा भी इसे छोड़ने ही वाला था। तभी राजा के दरबार में मौजूद एक दरबारी ने इस सिपाही से पूछा, क्या ये मुजरिम जब नीचे गिरा तो इसके मुंह से राजा के लिए कुछ निकला? उसने कहा, हाँ हुजूर, वो कह रहा था कि ये राजा डंग की रस्सी नहीं बना सकता, ये मुल्क क्या खाक चला सकता है। ये सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसको सरआम सर कलम किया गया, मगर अगर इस मुजरिम ने अपनी जुबान बंद रखी होती तो ये जिंदा होता। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा कम और सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।